नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्रह्म कुमारी संस्था ने सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता पर आयोजित की रिसर्च पेपर प्रतियोगिता। संस्था के राजुगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का आयोजन। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर इंदौर और रतलाम में सम्मेलन। मानवता को बचाने के लिए दिल में दया भाव जागृत करने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। गीता आध्यात्मिक ज्ञान का मूल शास्त्र है, परंतु यथार्थ गीता ज्ञान क्या कहता है, इसमें काफी वैचारिक भिन्नता है। इसी वैचारिक भिन्नता को समाप्त करने के लिए उसे गहराई से समझना पड़ेगा। इसी मकसद से ब्रह्म कुमारी संस्था ने सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता पर रिसर्च पेपर प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता पर रिसर्च पेपर प्रतियोगिता। विषय: भगवद गीता में वर्णित युद्ध अहिंसक था, हिंसक महाभारत युद्ध अलग था, या गीता के भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकते। प्रथम पुरस्कार 4 लाख रुपए, 2 द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपए, 3 तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए, 5 संतावना पुरस्कार 50,000 रुपए। पुरस्कार वितरण समारोह संसद भवन एनेक्सी नई दिल्ली। विजेताओं को 3 से 7 दिसंबर को ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन परिसर में आयोजित अखिल भारतीय भगवद गीता सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा। रिसर्च पेपर भेजने की अंतिम तारीख 21 जून 2022। रिसर्च पेपर भेजने के लिए ईमेल geetaresearch@dkivv.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क 9650692053। वेबसाइट www.brahmakumaris.com/geetaresearch। प्रायोजक ब्रह्मा कुमारीज और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली। इन रिसर्च पेपर्स का मूल्यांकन 5 लोगों की ज्यूरी करेगी, जिसके सदस्य हैं आंध्र प्रदेश उच्च शिक्षा नियामक और पर्यवेक्षण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वर्या, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भगवान दास राठी, श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ के पूर्व कुलपति आलेख चंद्र सारंगी, भगवद गीता विशेषज्ञ और लेखक डॉक्टर पुष्पा पांडे, हुबली कर्नाटक के PhD होल्डर BK बसवराज। ब्रह्म कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK उषा के भुवनेश्वर पहुंचने पर जीवन का आधार गीता का सार विषय पर 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन सांसद अपराजिता सारंगी, विधायक अरविंद ढाली, ओडिशा लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर देवव्रता स्वैन, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी BK लीना, पोखरीपुट सेवा केंद्र प्रभारी BK गायत्री ने किया। पोखरीपुट सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस समारोह में 2000 से भी अधिक लोग BK उषा को सुनने पहुंचे, जिन्हें संबोधित करते हुए BK उषा ने कहा कि सारे धर्म शास्त्रों का आधार गीता है और ये हमें तनाव मुक्त और खुशनुमा जीवन जीने की कला सिखाती है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर परियोजना के तहत 2022 के लिए दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम तय की गई है। इसी थीम के अंतर्गत इंदौर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यू पलासिया स्थित ओम प्रकाश भाई जी सभागृह में आयोजित इस समारोह में विधायक एवं पूर्व मंत्री महेंद्र हाडिया, भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय में नेशनल काउंसिलिंग फंड के सदस्य डॉक्टर भरत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रशांत चौबे, पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, शक्ति निकेतन कन्या छात्रावास की संचालिका BK करुणा, इंदौर जोन की मुख्य संयोजिका BK हेमलता, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती ने मानवता को बचाने के लिए दिल में दया और करुणा के भाव को जागृत करने के लिए प्रेरित किया। जब देश ही नहीं, जब दुनिया संवेदनहीन हो रही है, तब संवेदनशीलता कहाँ लाई जाए, कैसे लाई जाए और उसको आध्यात्मिक रूप से कैसे सुदृढ़ करें, इसकी जवाबदारी का बीड़ा जब ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था लेती है,
तो मेरा ऐसा विश्वास है कि न केवल इंदौर, न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में इसकी जागरूकता पहुंचेगी। जब हम निरंतर अपने मूल गुण में रहती हैं, तो जो मेरे अंदर है वही मैं दूसरों को दूंगी। तो जब प्रेम मेरे अंदर है तो मैं प्रेम ही दूंगी, जब सुख मेरे अंदर है तो मैं सुख दूंगी, जब मेरे अंदर आनंद है तो मैं आनंद दूंगी। अब कुछ खबरें एक नजर में। राजस्थान के बालोतरा सेवा केंद्र द्वारा राजकीय नर्सिंग ANM ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के लिए 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस पर वर्कशॉप, ऐसा ही कार्यक्रम सेवा केंद्र पर भी किया गया आयोजित। महायोजना के डायरेक्टर बीके राम प्रकाश ने सदा खुश रहने और खुशी बांटने के बताए तरीके। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट सेवा केंद्र एवं उज्जवल समाज सेवी सोसाइटी के युवा संगठन द्वारा सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा से सशक्त विषय पर सेमिनार। माउंट आबू से आई बीके भगवान ने युवाओं को बताया कैसे करें जीवन में चुनौतियों का सामना। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम निधि संस्था की गतिविधियों की जानकारी। जहाँ विचार निगेटिव है वहाँ तनाव है, और जहाँ तनाव है वहाँ सुख नहीं है। वही पश्चिम बंगाल के डालखोला होली क्रॉस स्कूल में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर प्रोग्राम। बीके भगवान ने बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा देने की ओर खिंचवाया ध्यान। बच्चों ने कार्यक्रम के अंत में सुनाए अपने अनुभव। कार्यक्रम में स्कूली स्टाफ एवं बीके सदस्य रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सेवा केंद्र द्वारा आत्मनिर्भर किसान पर कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने आए अतिथियों को किया सम्मानित। वाराणसी सारनाथ के ग्लोबल लाइट हाउस सेवा केंद्र पर कार्यक्रम। हरियाणा पानीपत के मानसरोवर रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके भारत भूषण ने बताए खुश रहने के तरीके। अमृत महोत्सव के तहत गाम देवी सेवा केंद्र द्वारा 3 दिन का राज्योग शिविर। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन के रेल चालकों के लिए सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्ति विषय पर सेमिनार। बीके बहनों ने सेमिनार में उपस्थित अधिकारी एवं चालकों को कराया राज्योग मेडिटेशन। ग्वालियर लश्कर सेवा केंद्र द्वारा नगर निगम में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कार्यक्रम। डिप्टी कमिश्नर अतिबल सिंह यादव, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके डॉक्टर गुरुचरण समेत अनेक सदस्य शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में पानीपत से बीके भारत भूषण पहुंचे। अपने कड़े संस्कारों को हम कैसे भस्म करें इस पर क्लास कराते हुए बीके भारत भूषण ने बताई युक्तियां। ऐसे ही बिहार पटना सेवा केंद्र पर स्व उन्नति के लिए योग तपस्या भट्टी पर कार्यक्रम। हरियाणा पानीपत से बीके भारत भूषण रहे उपस्थित। उन्होंने सभी बीके भाई बहनों को जीवन में सच्ची सुख शांति बनाए रखने के सिखाए गुण। राजस्थान के पिलानी में रामकोरी शंभू दयाल प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट ने 100 बर्ड फीडर ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका स्थानीय सेवा केंद्र की बीके बहनों ने रिबन काटकर किया उद्घाटन। मौके पर कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। बीके बहनों ने ट्रस्ट द्वारा उठाए इस कदम की सराहना। हम भी एक परिंदा जरूर रखेंगे और दाना पानी भी रखेंगे, ताकि उन पक्षियों के आनंद का हम भी अपने जीवन में अनुभव कर सकें। पुणे कोथरूड के गांधी स्मारक निधि के गांधी भवन में MPF कोथरूड आशीर्वाद समारोह में क्वेश्चन आंसर्स का रखा गया सेशन। बीके सरिता समेत कई प्रोफेशनल्स ने किया कैंडल लाइटिंग का उद्घाटन। बीके सरिता ने सच्ची सुख शांति बनाए रखने के लिए एवं राजयोग मेडिटेशन की दी जानकारी। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें, और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।